अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल वेल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्राई पैन पिज्ज़ा। बिल्कुल ओवन जैसा ही बनेगा, बस आप मेरी टिप्स फॉलो करें। चले स्टार्ट करते हैं। डो बनाने के लिए हमें लेना है 2 कप केक फ्लावर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून ईस्ट, 1/2 कप वार्म मिल्क, इनफ वाटर टू मेक अ सॉफ्ट डो। बोल में सबसे पहले केक फ्लावर, सॉल्ट, शुगर, ईस्ट, ऑयल, वार्म मिल्क, वाटर ऐड करें। हाथों से डो रेडी करें। देखिए डो हमारा रेडी है। डो को कवर करके राइज होने तक साइड में रखें। चले अब पिज़्ज़ा सॉस रेडी करते हैं। मैंने 500 ग्राम टमाटो की फ्रेश प्यूरी ली है, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून ऑरेगानो, 2 टेबल स्पून केचप, 1 मीडियम साइज का फाइनली चॉप्ड अनियन, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। पैन में ऑयल ऐड करके 2 मिनट गार्लिक सॉटे करें। देखिए गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है। अब इस पॉइंट पर अनियन ऐड करेंगे, सॉटे करेंगे 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करें। 5 मिनट बाद उसमें ऑरेगानो, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई पे रख के कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट बाद टमाटो केचप ऐड करेंगे, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करें। हाई फ्लेम पे लास्ट 5 मिनट तक पकाएं। देखिए 5 मिनट बाद सॉस हमारा रेडी है। फ्लेम ऑफ करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 300 ग्राम बोनलेस चिकन को क्यूब कर ले, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून ऑरेगानो, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। पैन में ऑयल डाल के चिकन ऐड करें। 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने दें। सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर सारे मसाले ऐड कर लेंगे। ऑरेगानो ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें। लो फ्लेम पे चिकन पकने दें। तब तक हमारा बेस रेडी कर लेते हैं। फ्लावर डस्ट करके बेस रेडी कर लेते हैं। चले चिकन हमारी अच्छे से पक गई है। टॉपिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लैक ऑलिव, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, अनियन स्लाइस, पिज़्ज़ा सॉस, चिकन एंड सम मोज़रेला चीज़। फ्राई पैन को मैंने पहले से हीट कर लिया है। इसमें पिज़्ज़ा बेस फैला ले। पूरी पैन को कवर करें, इस तरह फैलाए। फ्लेम मीडियम टू लो पे रखें। 5 मिनट बाद बेस को टर्न करें। 2-3 मिनट दूसरी साइड पकने दें। टर्न करें, पहले सॉस लगाएं, चीज़ ऐड करें, चिकन रखें,
अनियन रखे, रेड एंड येलो कैप्सिकम रखे, सम ऑलिव्स रखे। टॉपिंग मैंने अपने हिसाब से ली है, आप चाहे जो भी करें। चीज़ और ग्रीन कैप्सिकम ऐड करेंगे। अगर आपकी पैन पतली है तो नीचे तवा रखें, लो फ्लेम पे 10 मिनट पकने दें। 10 मिनट बाद चलो चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। चले डिस आउट कर लेते हैं। रेडी है हमारा फ्राई पैन पिज़्ज़ा। आप भी बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें।